हेलो दोस्तों, इंडियन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो है कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और अगर आपका लॉन्ग रूट है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो आप अपने मेकअप पाउच में क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास ये पाउच है, ये मेरा मेकअप पाउच है और इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं जो 2-3 दिन के लिए मुझे हेल्प करेगा। और कई बार हम जर्नी में जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में ना बहुत कुछ भूल जाते हैं, ये नहीं लिया, अरे ये लेना था पर ये भी नहीं ले पाए, ये छूट गया, ऐसा करके। तो ये आपको परेशानी ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। ट्रेन में जर्नी करते हो हर किसी को ऐसा पाउच रखना चाहिए ताकि आपके पर्स में ये आराम से आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसमें और भी जगह है, अगर आप और कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। सबसे बारी आती है फेस वॉश की। ये मेरे पास बड़ा फेस वॉश है, आप चाहो तो इसे छोटा भी 15 रुपये का आता है, अगर ट्रेन जर्नी में जा रहे हो तो आप वो कैरी कर सकते हो, वो ज़्यादा हैंडी रहेगा। बट मेरे पास अभी था नहीं इसलिए मैंने ये बड़ा वाला फेस वॉश आपको दिखा रही हूँ। तो पहले बारी आप फेस वॉश की, आपका जो भी मनपसंद फेस वॉश हो आप इसे रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, दूसरा है ये वाइप्स की। मैं इसे फेस के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर आप अपने हैंड या फीट जो भी आप क्लीन करना चाहें तो ये वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फेस के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज मैंने जब इसे लगाया था तो मुझे इरिटेशन होने लगा था। तो इसके लिए अगर आपको नहीं होता तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाइप्स भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत सारे डस्ट हमारे फेस पर चिपक जाते हैं और हम उसे क्लीन नहीं कर पाते हैं, वो फेस वॉश भी क्लीन नहीं कर पाता है और पानी की कमी हो जाती है कभी कभी ट्रेन में, तो ये वाइप्स आपको हेल्प करेगा आपके फेस को क्लीन करने में। ओके, तीसरा है मेरे पास ये बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। ये बहुत ज़रूरी होता है खासकर ट्रेन जर्नी में, कहाँ पर आपको चोट लग जाएगा, कहीं कट्स आ जाएंगे आपको पता नहीं रहता है, या आपके हैंड और फीट रफ़ हो जाएंगे, तो उसको ये अच्छे से मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करेगा। तो ये तो हर लेडीज़ के बैग में होना ही चाहिए। चौथा है ये कॉम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है खासकर लेडीज़ के लिए, जेंट्स का तो चलो चल जाता है बट लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो मैं इस तरह के बड़ी कॉम कैरी करती हूँ। पांचवा जो है ये ऑप्शनल है, ये है रिजा पिंक पर्ल परफ्यूम और ये बहुत हैंडी परफ्यूम है। बहुत लोगों को मैंने देखा है खासकर लेडीज़ में वो परफ्यूम लगाना प्रेफर करते हैं और उनको परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप जर्नी में जा रहे हो तो इस तरह के छोटे परफ्यूम आप कैरी कर सकते हो। ये 30 रुपये का है तो इसलिए मैं परफ्यूम कैरी नहीं करती हूँ, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप कैरी करना चाहो तो कर सकते हैं। पहला है ये लिप बाम। ट्रेन जर्नी में लिप बाम बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि बार बार आपके लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप लिप बाम जितना मन चाहो उतने बार आप लगा सकते हो और ये हल्का सा अपना एक कलर भी देता है, तो लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिपस्टिक पर्सन हो तो मेरे पास लिपस्टिक का भी ऑप्शन है, आप लिपस्टिक भी कैरी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके फेस के लिए, मैं यहाँ पर पैनस्टिक प्रीफर कर रही हूँ क्योंकि ये पैनस्टिक ऐसा है कि आपने बस इसको लगाया और ब्लेंड कर लिया, आपको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी, फाउंडेशन तो बिल्कुल भी मत लेके जाना क्योंकि उसकी जो कैप होती है कई बार वो गिर जाती है, तो सारा आपके जो भी पाउचेस में आपने रखा है उसमें फैल जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फाउंडेशन को तो बिल्कुल नो कहना। बीबी क्रीम आप कैरी कर सकते हो या फिर आप पैनस्टिक कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो पैनस्टिक ये ज़्यादा ईजिली होता है कैरी करना, आपने बस अप्लाई किया और हो गया आपका। तो पैनस्टिक मेरे पास ये ऑप्शन है, तो पैनस्टिक ज़्यादा बेटर है और ये 2-3 घंटे तक आपके फेस में टिका भी रहेगा। उसके बाद मेरे पास है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर और आप ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर कैरी कीजिएगा, कई बार होता है बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसको ये रोकने में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आप ये कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और कोई सा भी आपका मनपसंद कॉम्पैक्ट हो आप कैरी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे मिरर रहता है, तो वो सबसे अच्छी बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पे मिरर आपको मिलता है, तो आपको अगर मिरर ट्रेन में नहीं, अलग से मिरर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने फेस का बेस लगाया या आपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम तो आप हैंड से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप पैनस्टिक लगा रहे हो तो उसको ब्लेंड करने के लिए आपको इस तरह के स्पॉन्ज चाहिए। ये मैंने लोकल ब्यूटी स्टोर
स्टोर से ख़रीदा था, 100 के 8 मुझे मिले थे और ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा स्पंज है ये, तो आप इसे कैरी कर सकते हो। ये काफ़ी हैंडी भी होता है और आप इसे कैरी भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारे हेयर के लिए, देखिए इस तरह के ना लिवॉन के पाउचेज आते हैं, ये 3 रुपये का है, तो आप ये कैरी कर सकते हो। खासकर जर्नी में आपको लिवॉन की अलग से बोतल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे कैरी कर सकते हो। आप एक बार लगाओगे तो 2-3 दिन तक तो रह ही जाएगा, तो आप ये कैरी कर सकते हो, ये बहुत बेहतरीन है। बात आती है काजल की, तो मैं जो नॉर्मल ब्लू हेवन की काजल लगाती हूँ वो तो मैं नहीं कहूँगी आपको, आप इस तरह के कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, आप कोई सा भी अपना मनपसंद पेंसिल यूज़ कर सकते हैं हेल के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आप इस तरह के काजल पेंसिल कैरी कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कंटेनर में आप एलोवेरा जेल कैरी कर सकते हैं, वो काफ़ी हैंडी हो जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। आप कभी भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये मस्ट है, आपके बैग में रहना ही चाहिए। जर्नी में मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप जेल आईलाइनर ले जाइए या फिर स्केच आईलाइनर जो मिलता है वो ले जाइए, ये काफ़ी हैंडी होता है, तो मैं तो कहूँगी जेल आईलाइनर। उसके साथ लगाने के लिए आपको ब्रश भी मिलते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का है, तो ये ब्रश आपको आईब्रो के लिए भी यूज़ हो जाते हैं और आप आईलाइनर भी इससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वैसलीन तो हम सब जानते हैं इसको रखना ही चाहिए बैग में, ये ऑप्शनल है, अगर आपने लिप बाम रखा है तो आप वैसलीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई जेंट्स है या कोई भी अगर आपके साथ मेल ट्रैवल कर रहे हैं तो ये उनके लिए है, क्योंकि उनके भी लिप्स जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उनको भी ये बहुत हेल्पफुल रखेगा, अपने लिए नहीं उनके लिए जो आपके साथ जा रहे हैं जो मेल है, तो उनको ये बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए इस तरह के मैंने कैरी किए हुए हैं, इसमें ना मैंने सेफ्टी पिंस रखे हुए हैं और इसमें मैंने बॉबी पिंस रखे हुए हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरह के हैं, तो इसमें मैंने ये दोनों रबर बैंड रखे हुए हैं, इसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिंस रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है खासकर जर्नी में, और उसके बाद मेरे पास है ये बॉबी पिन, ये देखिए छोटे से, तो ये आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।